ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमल का ध्यान करके जो सुख प्राप्त होता है, अथवा आपके भक्तों के मुख से आपके कथामृत का श्रवण करके, पान करके जो सुख प्राप्त होता है, वह सुख तो आपके स्वरूप में भी नहीं है। भगवान आनंदमय है, आनंद घन है, लेकिन ध्रुव महाराज कहते हैं कि आपका ध्यान करके भक्त को जो सुख मिलता है और आपकी कथा सुन करके जो सुख मिलता है, वह सुख तो आपको भी सुलभ नहीं है। आपके स्वरूप में भी वो सुख नहीं है, ब्रह्म में आपकी महिमा में वो सुख नहीं है। भगवान उतना सुखी नहीं होते हैं जितना भक्त सुखी रहते हैं। यदि भगवान सुख के मूर्ति हैं, रस मूर्ति हैं, आनंद घन है, परंतु वह जो आनंद है भगवान के भक्ति के आनंद से कम है। तो जो व्यक्ति इतना बड़ा आनंद में मग्न है, वो क्यों स्वर्ग का सुख चाहेगा? स्पष्ट बोलता है, या निर्वृत्ति स्तनुभृतान तवपाद पद्म ध्यानात् भवत जन कथा श्रवणे न वा स्यात् सा ब्रह्मणि स्वमहिमन नपिनाथ मा भूत। तो जब आप में भी वह सुख नहीं है जो भक्तों को सुख प्राप्त होता है आपकी कथा सुन करके, आपका ध्यान करके, आपकी भक्ति करके, तो फिर स्वर्ग में रहने वाले लोग जो विमानों पर रहते हैं और काल रूपी तलवार द्वारा, काल द्वारा जिनका विमान ध्वस्त कर दिया जाता है, लोक ध्वस्त कर दिया जाता है और उन्हें गिरना पड़ता है, फिर तो उनको क्या सुख मिलेगा? तो हो सकता है भक्ति का सुख। ये बहुत महत्वपूर्ण बात ध्रुव महाराज कह रहे हैं। और भक्तों को जो सुख प्राप्त होता है, इसको चैतन्य चरितामृत में कहा गया है आश्रय का सुख है, और भगवान को जो सुख मिलता है वो विषय सुख है, विषयालंबन। भक्ति हलादिनी शक्ति की वृत्ति है, तो भक्ति भक्तों के हृदय में रहती है भगवान के प्रति। तो भगवान जो है भक्ति के विषयालंबन है। जैसे कोई लता किसी जमीन पर जन्म लेती है और फिर चढ़ती है ऊपर, तो कृष्ण चरण कल्प वृक्ष करे आरोहण, यहां माली सिंचे नित श्रवण आदि जल। भक्त का हृदय जो है वही आलबाल होता है, थाला, जहां पर वो लता जन्म लेती है। तो भक्त का हृदय आश्रय होता है भक्ति का, और भगवान उसके विषय होते हैं। तो जो आनंद भक्त को मिलता है, उतना आनंद भगवान को नहीं मिल पाता। अधिक आनंद है भक्त को, इसी से होड़ करके भगवान भक्त के रूप में आए कि हम क्यों पीछे रहेंगे, हम ज्यादा आनंद लेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, आश्रय बन करके आए। उन्होंने चैतन्य चरितामृत में कहा है कि हमसे तो ज्यादा राधिका सुख प्राप्त कर रही है और दूसरे भक्त सुख प्राप्त कर रहे हैं, मैं तो भगवान होकर के भी घाटा में रह गया। तो वे भक्त बने, अपनी साध पूरी किए, निजवांछा साधी लेना श्री गौर हरि। श्री गौरांग अपनी साध को, भगवान श्री कृष्ण अपनी साध को, अपनी लालसा को पूरा किए भक्त बनकर, रो करके, कथा सुन करके, नाम गा करके, वे तब असली सुख प्राप्त किए। तो भगवान थे तो फीका फीका थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसको एक लौकिक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, खास करके उदाहरण मान लीजिए कोई स्त्री बहुत सुंदर है, तो वह अपने सौंदर्य का, अपने अंगों का आस्वादन स्वयं नहीं कर सकती है। दूसरा व्यक्ति उसको देख करके, स्पर्श करके जो सुख प्राप्त करेगा, वह व्यक्ति नहीं कर सकती, वह स्त्री नहीं कर सकती। भगवान है आनंदमय, लेकिन अपने आनंद को पा नहीं पाएंगे। भक्त उस आनंद को लूटते हैं, भगवान को देख करके, प्रेम से बोल करके या रूठ करके, उनका श्रृंगार करके, उनका गीत गा करके, कथा सुन करके बहुत ज्यादा सुख प्राप्त करते हैं, कई गुना अधिक। तो ध्रुव महाराज यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका भक्त आपकी कथा सुन करके या आपके चरण कमल का ध्यान करके जो सुख प्राप्त करते हैं, वो तो आप में भी नहीं है, अर्थात आप भी उतना सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं। फिर देवता लोग जो काल के द्वारा खंडित कर दिए जाते हैं, जिनका विमान ध्वस्त कर दिया जाता है, पूर्ण छीणे पूर्णे मर्त लोकम विसंते, उनको क्या सुख मिल सकता है? उनको तो कोई सुख है ही नहीं।
तो आपसे भी ज्यादा सुखी आपके भक्त रहते हैं, इसीलिए वो स्वर्ग आदि की कोई कामना नहीं करते हैं। कितनी शुद्धि हो गई है ध्रुव महाराज में, क्योंकि वेद का वास्तविक ज्ञान हो गया है इनको। तो देवताओं के सुख को बिल्कुल है कह रहे हैं, भक्ति के सुख की ही बड़ाई कर रहे हैं। यह कुछ कुछ भक्तों का अनुभव भी होता है संसार में, किसी किसी भक्त का कि भगवान का कीर्तन करके, कथा सुन करके, ध्यान करके, कुछ स्तुति गा करके जो सुख प्राप्त होता है। संसार में वैसा कोई सुख नहीं होता है। जो सुख हो तो गोपाल ही गाए, सूरदास जी ने एक पद में गाया है कि जो कृष्ण को गा करके सुख मिलता है वो कहीं नहीं। वो कहते हैं कि चारों पदार्थ मिले, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और यहां तक किसी बंध्या स्त्री को पुत्र हो जाए, उसको जो सुख प्राप्त होगा उससे कोटि कोटि गुना सुख भगवान का नाम गा करके मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उन्होंने बहुत सा तुलना किया है कि यह सुख वह सुख वह सुख, लेकिन सबसे बड़ा सुख है भगवान की कीर्ति गाना, कीर्तन करना, ध्यान करना, सुनना कथा। तो वह ऐसा सुखी व्यक्ति फिर थोड़े से सुख को क्यों लेना चाहेगा? तो इसका अर्थ है कि जब तक व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता है, विषय भोग चाहता है, तो उसको भक्ति सुख का अनुभव नहीं होता। भक्ति सुख का अनुभव हो जाने पर क्यों स्वर्ग चाहेगा?